फ्रेंड्स, मैं विश्व कोकर और आपका स्वागत है न्यू वीडियो के साथ। दोस्तों, जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी कि हमने अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर में डलवाई थी न्यू बैटरी, तो आज फिर स्कूटर पर वीडियो होने वाली है। दिखाएंगे ये हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर, जैसे कि आपने देखा इलेक्ट्रिक स्कूटर में हमने डलवाई बैटरी, तो इस पर कुछ डिटेल वीडियो बनाने वाले हैं, बताने वाले हैं इसमें। क्योंकि दोस्तों, जो हमने पहली वीडियो बनाई हुई थी उसमें ये नहीं बताया था कि हमारी बैटरी प्राइस वगैरह हमारी डिटेल्स नहीं बताई पूरी, हमने मतलब इसका इंस्टॉलेशन दिखाई थी बस। तो दोस्तों, आपको दिखाते हैं क्या क्या हुआ। जैसे कि हमने पहले यही वीडियो बनाई थी कि हमारी स्कूटर में प्रॉब्लम आ गई थी कि यहाँ पे देखिए ये ऑन नहीं हो रही थी, ये भी यहाँ पे इसकी डिस्प्ले ये, और दोस्तों चाबी इसका हमने, एक सेकंड वो डिटेल बाद में करेंगे प्राइस वगैरह की बैटरी की, यहाँ पे दिखाते हैं ये। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था ये यहाँ से ऑन नहीं हो रही थी, वो तो हमने जाके दिखाया हमारे इसमें लॉक में प्रॉब्लम थी। फिर दोस्तों, ये लॉक तो हमने डलवाया नहीं, इसे कनेक्शन हटवा ही लिए क्योंकि यहाँ पे मीटर में प्रॉब्लम आ रही थी उस लॉक से, फिर क्योंकि ये रिमोट से ऑन हो जाती है, देखिए बंद हो गई। और इसे दो बार दबाएंगे, फोकस कर लिया आईफोन, दो बार दबाएंगे डिस्प्ले आ गई। तो फिर हमने इसके तो जो इसका इग्निशन वाला लॉक होता है इसका कनेक्शन हटवा दिए, अब ये रिमोट से चलती है रिमोट से। और दोस्तों ये कुछ, आप पहले एक बार बैटरी दिखा देते हैं आपको, तो करते हैं बूट को ओपन। यहाँ पर दोस्तों पहले इसमें सामान वगैरह रखा है थोड़ा सा, इसको निकाल लेते हैं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे ये अंदर बैटरी डली थी, इसमें दो बैटरी आगे और ये तीन पीछे, मतलब इसमें टोटल पांच बैटरी डली थी। और दोस्तों, जो मैं आपको बताऊँ, जो ये इंस्टॉलेशन की वीडियो थी ये हमारी दो महीने पहले की वीडियो थी ये। दोस्तों, मैं इसीलिए नहीं डाली थी वीडियो आज तक, इसमें मतलब इसका पूरी टेस्टिंग करनी थी पहले तो, कि बैटरी कितनी चलती है। जब मैं तभी वीडियो बना देता तो आपको बता नहीं पाऊँ था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कितनी चलती है बैटरी इसमें, मतलब इसका बैकअप और चार्जिंग टाइम पूरा प्रॉपर। और दोस्तों, ये हमने बैटरी डलवाई क्योंकि ये हमने सेकेंड हैंड ली थी स्कूटर, और ये हमारी मुश्किल से मतलब एक साल पुरानी थी ये लगभग, और हमारे पास आते ही ये बैटरी इसकी लो हो गई थी डाउन, एक महीना ही चली है अच्छी तरह। फिर ये मैंने आपको बताया था कि मुश्किल से पाँच सात किलोमीटर चलती थी, 5 से 7 किलोमीटर मुश्किल से। और दोस्तों, अब हमें डलवानी पड़ी ये। दोस्तों, जो हमने अपने यही पूछी थी एजेंसी पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के, यहाँ पे हमारी जो इसमें पांच बैटरी थी, मतलब जो सी ब्लू ख़राब हो रही थी, उनको देकर वे जाती थी 2500 रुपये, मतलब 500 रुपये पर बैटरी। दोस्तों, वो जाकर हमारी पड़ रही थी 12,500 की, 12,500 की बैटरी इसमें। फिर दोस्तों, हमने थोड़ा दिमाग लड़ाया, जो हम पहले वहीं डलवा लेते तो फिर तो इतने की डलती। हमने फिर बाहर से जब जान पहचाने बात की तो दोस्तों हमें ये बहुत सस्ती मिली बैटरी, जैसे कि आपने पहली वीडियो में देखा होगा, हमने थंबनेल भी डाल रखा था। तो दोस्तों, हमें ये बैटरी मिली 8,500 की, मतलब 8,500 रुपये की। हम ये हरियाणा से लाए थे, हरियाणा पे जानने वालों की शॉप थी वहाँ से। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि हमें सस्ती मिली, जानने वालों की शॉप थी, और दोस्तों सबके लिए यही प्राइस है बैटरी का। हमने उनसे पूछा था कि क्या प्राइस है, उन्होंने बोला ये सबके लिए यही है प्राइस जो फ़िलहाल चल रहा है बैटरी का, तो ये हमें मिल गई। और दोस्तों, इतनी मिली कुछ बैटरी, और इसके दोस्तों इसकी बताऊँ इसका बैटरी बैकअप तो दोस्तों बड़ा ही है, क्योंकि जब चलती थी 5 से 7 किलोमीटर, अब ये चलती है इसका लगभग, तो मतलब उन्होंने 70 कह के दिया था, 70 किलोमीटर चलेगी एक चार्ज में, बट दोस्तों 65 तो चलती होगी, 60-65। और दोस्तों, जो आपको होगा इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कि कितनी चलती है फुल चार्ज में। और दोस्तों, चार्ज होने में लेती है टाइम, मतलब पूरी रात ले लेती है, मतलब जब हम तो सुबह देखते हैं तो चार्जिंग ऑटो कट लग जाता है इसका, वही टाइम है 10 से 12 घंटे चार्ज होने का फुल चार्ज। और दोस्तों, चार्जर की आपने अनबॉक्सिंग देखी थी, हमारा पहले वाला चार्जर हो गया था ख़राब, मैंने वजह बताई थी कि वो ख़राब हुआ। और दोस्तों, न्यू चार्जर लिया था, उससे हो जाती है 10 से 12 घंटे में, क्योंकि वो बड़े वाला चार्जर है पहले से। और ये इसका कुछ रिमोट, अब तो ये इसकी चाबी है, ये चाबी तो इसमें इसलिए लगा के रखते हैं क्योंकि इसका बूट वगैरह ओपन करने के लिए। बैटरी की प्राइस में बताइए आपको। और दोस्तों, एक बार चला के और दिखाते हैं कि क्या कुछ फ़र्क पड़ा। जब तो दोस्तों, जो हम फुल चार्ज करते थे पहले बताऊँ, मतलब हमने फुल चार्ज कर लिए तब ये देती थी बैकअप 5-7 किलोमीटर का देती थी, 5 से 7 किलोमीटर। और दोस्तों, मुश्किल से 1.5 किलोमीटर चलती थी फुल पिकअप में, फिर चलती थी झटके मार मार के, बाद में तो झटके मार मार के ही चलती थी ये 7-8 किलोमीटर। शुरू में 1.5 किलोमीटर चलती थी फुल पिकअप से, फिर मतलब झटके मारने लगती थी, क्योंकि जिस बाइक पास इलेक्ट्रिक स्कूटर हो उसको पता ही होगा
कि ये जब डाउन हो जाती है बैटरी, इसकी लो हो जाती है तो ये कैसे झटके मारती है। और दोस्तों दिखाते हैं आपको, जब तो ये ऐसे चलती है, अब तो फुल पिकअप आ गया है, देखिए बहुत पिकअप है। मैं एक हाथ से चला रहा हूँ तो दिखा नहीं सकता आपको। और दोस्तों दिखाते हैं आपको, ये हमारे यहाँ पर खेत की रोड है, ये मैं दिखाऊँगा आपको। देखिए मेरा दोस्तों बहुत ही स्पीड बढ़ी है पहले से, तो मीटर में तो इतनी दिखाती है, बट फ्रेंड्स पिकअप काफ़ी बड़ा है इसका। और दोस्तों पहले आगे चलते हैं, रोक लेता हूँ एक बार। देखिए तो दोस्तों अभी तो पहले गियर में ही है, और मैं दिखाऊंगा आपको स्पीड। और ये दोस्तों ये मैंने फुल नहीं भगाई, ज़्यादा रेस नहीं दी थी, मतलब थ्रोटल ज़्यादा नहीं दिया इसका। और ये फ्रेंड्स एक मिनट खड़ी कर लेता हूँ, देखिए ये कुछ ऐसी हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर। अब तो ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है बैटरी डलकर। और दोस्तों जैसे कि आपको हमने इसमें बैटरी डला दी, और आपको इस पर ही वीडियो आएगी अब कंटेंट, क्योंकि पहले तो मैं इस पर डाल नहीं रहा था वीडियो, कि बैटरी की वीडियो से पहले कोई डाल नहीं सकता था, तो मैंने रोक रखी थी इसीलिए कंटेंट इस पर नहीं डाला। तो बैटरी की डाल दिया, अब इस पर ही कंटेंट आएगा। एक तो दोस्तों इसकी चार्जिंग टेस्ट भी बताएंगे आपको, जो आप कमेंट करो उसकी वीडियो भी डालेंगे, एक इसके स्पीड टेस्ट की इलेक्ट्रिक स्कूटर के। और दोस्तों और भी जो आपको होगी वीडियो, मतलब कमेंट करोगे और वीडियो भी बना देंगे, मतलब इस पर स्पीड टेस्ट बोलोगे आप, इसके मोड में मतलब किस मोड में कितनी भागती है ये बोलोगे, चार्जिंग स्पीड, बैटरी बैकअप, जो भी बोलोगे आप वही वीडियो डाल देंगे। और जो दोस्तों इसकी मतलब ऐसी डिटेल की वीडियो बनाऊँ क्योंकि ये लेनी चाहिए या नहीं, वही बना देंगे। और यह इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज मतलब आप कमेंट कर देना, वही वीडियो बना देंगे, जैसे कि आप जैसे भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, वही वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, मैं आपको प्राइस वगैरह बता दिया बैटरी की डिटेल। दोस्तों एक बात और, इसमें दोस्तों मैं बूट ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, जल्दी आ जाइए। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, और बैटरी की डिटेल दे दूँ एक बार, इसमें है 12 वोल्ट 28 एम्पीयर की मिलती थी बैटरी पहले, 12 वोल्ट की तो इसमें है ही, वो तो 12 वोल्ट की डलती है इसमें। हमने कहा कि बार डलवाई 30 एम्पीयर की, 30 नहीं 34 एम्पीयर की, 34 एम्पीयर की बैटरी डली इसमें, 12 वोल्ट 34 एम्पीयर की, पहले 30 से 12 वोल्ट 28 एम्पीयर की। दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही, ये हमारी इलेक्ट्रिक स्कूटर। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बता देना, और इस पर जो भी वीडियो चाहिए स्कूटर पर वो भी कमेंट में बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।